तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर का कुछ भी यूज नहीं होता और वो बिल्कुल भी काम के नहीं होते। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर कुछ भी काम के नहीं होते तो ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर को लगा के दिखाऊंगा और गाड़ी चलाकर भी दिखाऊंगा और गाड़ी के साइड के ब्लाइंड स्पॉट भी दिखाऊंगा। कंपेरिजन आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। आप देखिए, समझिए और डिसाइड करिए। अगर आपको लगता है कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको परचेस करिए, अगर आपको नहीं लगता तो आप इसको परचेस नहीं करिए। चलिए देखते हैं। मेरा नाम है अमित और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैंने लेफ्ट और राइट साइड के मिरर के लिए ये दो ब्लाइंड स्पॉट मिरर लिए हैं। अब इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि इसका कितना यूज है। तो चलिए इसकी पैकिंग ओपन करते हैं। पहले तो पैकिंग ओपन करने पे आप ये देखेंगे ये किस तरह से मिरर होगा और ये पीछे से इसका ये जो चिपकाने का है वो पोर्शन लगा हुआ है। अब मुझे ये रेड स्ट्रिप हटानी है और ये मुझे कांच पे लगानी है, तो ये हटा लेते हैं अपन। देखिए अभी इसको मैंने अपने राइट साइड के मिरर में ऊपर की तरफ लगाया है। इसको लगाने के ऊपर सबका अपना अपना अलग अलग व्यू है। कुछ लोग इसको इस जगह पर लगाकर ब्लाइंड स्पॉट अवॉइड करना चाहते हैं, कुछ लोग इस जगह पर, कुछ लोग इस जगह पर, कुछ लोग इस जगह पर। लेकिन अभी मैंने इसको यहाँ पे लगाया, हम देखते हैं यहाँ पे क्या फायदा मिलता है हमको। अभी आप मेरी गाड़ी का राइट साइड का मेन मिरर देखिए। इस मिरर को मैंने परफेक्टली जितना भी अच्छी तरह से मैं सेट कर सकता था, जो एक रिकमेंडेड तरीका है, उस तरीके से एडजस्ट कर रखा है। अगर आपको देखना है कि किस तरीके से मिरर को एडजस्ट करना है, क्या सही तरीका है, तो आप उसके लिए ऊपर आई बटन में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। अभी मैंने इसको सेट कर रखा है। इसको सेट करने के बाद भी अभी देखिए आपको राइट साइड में कोई गाड़ी नहीं दिख रही है इसके अंदर। और ऊपर वाला छोटा वाला जो मिरर मैंने ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाया है उसके अंदर आप ध्यान से देखें, वहां पे एक सेंट्रो खड़ी हुई दिख रही है आपको राइट साइड के अंदर। और वो सेंट्रो मेरी गाड़ी से कितनी दूर है आप ये देखिए, राइट साइड में थोड़ी सी दूरी पे गाड़ी खड़ी है जो कि मेन मिरर में नहीं दिख रही है लेकिन वो ब्लाइंड स्पॉट में दिख रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट का मिरर बहुत कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी कवर करता है जो कि आपका मेन मिरर नहीं कवर कर पाता है। अब इसको लगाने का तरीका अलग होता है। मैंने इसको लेफ्ट अपर साइड में लगाया हुआ है, आप चाहे तो राइट अपर साइड में लगा सकते हैं, जिस जगह पे भी लगाए आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। मुझे लगता है कि ये पोजिशन इसके लिए बहुत अच्छी पोजिशन है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये पोजिशन कैच करनी चाहिए जब भी मुझे गाड़ी टर्न करनी है, गाड़ी हाईवे पर लेन चेंज करना है। तो इसीलिए मैंने ये सोच के साथ में इसको ऊपर की तरफ लगाया है। इसमें मुझे राइट साइड में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में साइड में जो गाड़ी खड़ी हुई है सेंट्रो, ये दिख पा रही है, जबकि ये गाड़ी मेन मिरर में नहीं दिख रही है। इसी तरीके से आप इसको लेफ्ट मिरर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस मिरर को मैं थोड़ा सा दूसरी साइड एडजस्ट करके दिखाता हूं। देखिए मैंने लगाया था तो ये इसका जो पीछे का चिपकनी है ये चिपक गई है, ये हटानी पड़ेगी। चलिए तो हट जाएगी बाद में, अभी देखते हैं इसको लगाने के बाद क्या होता है। यहां पर अब आप देखिए सेम चीज आप नोटिस करने की कोशिश करिए। अभी इस ब्लाइंड स्पॉट मिरर के अंदर आप देखेंगे तो मैं सेंट्रो कार भी देख पा रहा हूं और उसके पास की रोड भी देख पा रहा हूं। लेकिन अगर हम इसको पहले वाली पोजीशन से कंपेयर करेंगे जो कि हमने राइट अपर मिरर में लगाया था ब्लाइंड स्पॉट को, उससे अगर कंपेयर करते हैं इस करंट पोजीशन से, तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि वहां पर सेंट्रो के पास की जो रोड थी वो ज्यादा दिख रही थी जबकि इस पोजीशन में रोड कम दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम ज्यादा रोड नहीं दिख पाएंगे। अब इस ब्लाइंड स्पॉट मिरर के अंदर भी हमको एक पोजीशन सेट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हम वो रोड भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको राइट अपर कॉर्नर में लगाएं चाहे लेफ्ट अपर कॉर्नर में लगाएं, हम वो सभी ब्लाइंड स्पॉट को कैच कर सकते हैं जो कि हम कैच करना चाहें। अब ये थोड़ा बहुत आपकी कन्वीनियंट पे डिपेंड करता है कि आप कहां पर लगाकर कौन से ब्लाइंड स्पॉट को कैच करना चाहते हैं और किस स्पॉट को कैच नहीं करना चाहते, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब हम रोड पे चलते हैं और देखते हैं कुछ ब्लाइंड स्पॉट जो कि हम इस मिरर की हेल्प से कैच कर सकते हैं। ये देखिए आप ब्लाइंड स्पॉट मिरर में देखेंगे तो यहां पर पीछे की तरफ दो कार खड़ी हैं जो कि इस की ब्लाइंड स्पॉट मिरर कैच कर पा रहे हैं जबकि मेन मिरर उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। सेम वे में अभी यहां पर देखिए आप सेम चीज ये हो रही है कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर वो चीज कैच कर पा रहा है जो कि मेन मिरर कैच नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब ये आपकी कन्वीनियंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस 150 रुपीज से स्टार्ट होकर और 3000 रुपीज तक जाती है। आप चाहें तो इसको परचेज करें। कुछ लोगों का ये भी होता है कि ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाने के बाद में हमको पूरा मेन मिरर का पोजीशन नहीं दिखती है, तो वो बात तो मैं एग्री करूंगा कि कुछ पोर्शन छुप जाता है जो कि नहीं छुपना चाहिए, वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी लग सकता है।
लेकिन ये सब चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।